हेलो एवरीवन बेटा, आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम क्या है, कोर्स। बेटा बात को सुनना बड़े ध्यान से। जो बच्चे बीच बीच में अलग अलग टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं, जो शुरू से भी कर रहे हैं, तो उन्हें बता दूं कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स किए हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, जिसका जो भी चैप्टर मिस हुआ है वो कम्प्लीट हो जाएगा। अभी हो क्या रखे, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए कि आज के दिन हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। भाई चल क्या रहा है बैच में, क्या सिलेबस है। वैसे तो मैं हमेशा बताता हूँ बेटा, यूनिट नंबर 1 होती है आपकी, जो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो कौन सी होती है, इंट्रोडक्शन, जिसकी वेटेज कितनी है, 4 नंबर की। यही आएगा 99% स्कूल में, बस यूनिट नंबर 1, और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 1 किस किस का नहीं हो रखा है, एक बार मुझे रफली आइडिया पता चले कि जिनका इंट्रोडक्शन वो पीपीसी वाला कंसेप्ट नहीं हो रखा। पीपीसी जिसमें हमने पढ़ा था, आपको तो बेटा जरूरत भी नहीं है, आप दोनों का नहीं हो रखा, बाकी सबका यूनिट नंबर 1 हो रखा है। जितने भी है, इंट्रोडक्शन सबने पढ़ा हुआ है, पीपीसी वाला कंसेप्ट सबका कंप्लीट है। वो वाला अगर वो कंसेप्ट सबका कंप्लीट है तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब जितनी माइक्रो आ रही है उतनी हम कर चुके हैं। और अगर फिर भी किसी को डाउट है उस चैप्टर में, और जिसका नहीं हो, उसे मैं गाइड करूंगा कि हम कैसे करने वाले हैं। फिर हम कौन सी यूनिट पे जाते हैं, यूनिट नंबर 2, जिसके स्कूल में 4 चैप्टर बनते हैं। हम मैं तो एक यूनिट बता रहा हूँ, वो इसी में कितने चैप्टर बना देंगे, 4। कौन कौन से भैया? एक का नाम देंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, एक का नाम देंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक का नाम देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, एक का नाम देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच। ये भी 4 चैप्टर बनाएंगे बुक में, और इनकी वेटेज कितनी है, 13 नंबर की। तो ये अलग अलग बच्चों के हो रखे होंगे जिन्होंने जब भी ज्वाइन करा है। लेकिन जो सिलेबस मेरे हाथ में आया था, ये जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे आप सब बच्चों ने बताई, एसडी में तो नहीं आ रहा इतनी बात पक्की है। यूनिट तो होल एंजल्स का क्या सीन है मुझे नहीं पता बेटा, वो आप सिलेबस देख के बताना कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। द एचडी का क्या सीन है मुझे नहीं पता, सेम है। और अच्छा, वो तो डुप्लीकेट कॉपी है एचडी की, बेसिकली कुछ फर्क नहीं है ना। जो सिलेबस इनका वही आपका। और शार्डन वालों का क्या सीन है भैया, पता ही नहीं। एचडी वाले पर शार्डन वाले जरा किसी दिन जाके पता लगाएंगे। अच्छा, स्कूल वालों को ही नहीं पता अभी तक। अच्छा बेटा, हम तो भी मतलब बहुत आगे भाग रहे हैं, क्या कह सकते हैं, कोई इशू। हाँ फिलहाल उसके बाद यूनिट 3 आती है, प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट, जिसमें से ये वाला हो गया। और आज ये शुरू करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये जरूर पता होना चाहिए हर एक को। और जो सीए फाउंडेशन वाले साथ में बैठे हैं, उनके यहाँ इंट्रोडक्शन के कमी कंसेप्ट है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है उनके सिलेबस में। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट भी है जो आज मैं करा रहा हूँ, इवन इससे एडिशनल ही है, कम नहीं है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर लेके, प्रभु का नाम है ना। पिछले चैप्टर का नाम था प्रोडक्शन फंक्शन, पिछले चैप्टर में गुड्स को प्रोड्यूस करने के बारे में सीखा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकली विजुलाइज करना, प्रैक्टिकली फैक्ट्री सेटअप किया करो, मजा तभी है। भैया क्या लगा रहे हो आज? मैं जो तुम कहोगे लगा देंगे, डेली सिगरेट वही लगाते रहेंगे, आज कुछ और लगा लेते हैं यार, कोई बढ़िया सी चीज दा भाई। बस सारे के सारे सारे नशे वाले इंसान ही आ गए भैया, अल्कोहल पे लगा लो। चलो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लो यार। कोई भी फैक्ट्री अगर सेटअप हो रही है, तो मुझे ये बताओ क्या कुछ खर्चा होगा फैक्ट्री को सेटअप करने में और रन करने में? होगा भैया, कौन कौन सा, एक एक करके। एक आवाज आ भी गई मुझे, भैया रॉ मेटेरियल खरीदना पड़ेगा। वैसे सही में पता है दारू किससे बनती है? कुछ अंगूर से और चावल से। और ओ भाई साहब, यहाँ तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। मैं पता नहीं 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या क्या। भैया अंगूर से बनती है, कह रहे कौन से वाली पीनी है भाई, मुझे कोई नहीं पीनी, मुझे कोई नहीं पीनी, मुझे एग्जाम्पल समझाना है, मुझे क्यों पिलवा रहे हो भाई। मैं गंदी चीज हम तो देखा भी नहीं आज तक इसे, है ना, ये तो खाली समझाने के लिए बता रहे हैं। फिलहाल रॉ मटेरियल चाहिए फैक्ट्री को चलाने के लिए, और क्या चाहिए फैक्ट्री को चलाने के लिए है? लेबर का खर्चा होगा भैया, अगर जमीन अपनी नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा, मशीन खरीदनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। ये सारी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को पढ़ना है, इसीलिए चैप्टर का नाम अगला क्या आया, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर अपनी जमीन नहीं है तो आप एक एरिया रेंट पे लोगे तो रेंट पे करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे तो रॉ मटेरियल की पेमेंट होगी, लेबर लेके आओगे तो लेबर की पेमेंट करनी पड़ेगी, बिजली का कनेक्शन लोगे तो फिर उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग खर्चे होंगे, तो वही मुझे पढ़ना है। कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। पहले एक लाइन समझ में आई नहीं, कॉस्ट का मीनिंग क्या है? कॉस्ट का मतलब है जो खर्चा हो रहा है
किस चीज में खर्चा हो रहा है, गुड्स की प्रोडक्शन में। क्लियर है? अब जितने भी एग्जाम्पल दिए ना मैंने, ये खर्चे दो तरह के हैं, एक खर्चा है वेरिएबल कॉस्ट का और एक है फिक्स। बड़े ध्यान से सुनो और एग्जाम्पल में क्लासिफाई करेंगे, कुछ मैं बताऊंगा और कुछ आप कह रहे हो मुझे पता है कि कुछ हम बताएंगे। पहले समझ लो कि है क्या वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल वर्ड सुना सुना लगा कहीं पिछले चैप्टर में? क्या था वेरिएबल का मतलब? वेरिएबल का मतलब जो चीज चेंज होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? ऐसा खर्चा, ऐसी कॉस्ट जो क्या होगी, चेंज। किसके चेंज होने से? प्रोडक्शन के चेंज होने से। दोस कॉस्ट विच चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल अभी ले लेंगे, पहले टीएफसी पे आ जाते हैं। फिक्स नाम से क्लियर है, जो खर्चा चेंज नहीं होगा, या दूसरे वर्ड में कहूं कि फिक्स रहेगा, चाहे मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूं चाहे मैं कम, वो टोटल फिक्स में आ जाएगा। एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ दोनों के, फिर क्लासिफाई कराऊंगा आपसे। मैंने जानबूझ के स्लाइड हटा रखी है कि क्योंकि इतने बच्चे देखते हैं, भैया एग्जाम्पल तो सामने ही लिखा हुआ है ना, पहले समझ लें फिर देख लेंगे स्लाइड। अच्छा, आप पीवीसी का एक एग्जाम्पल सुनो मेरे से, या टीएफसी का भी हो सकता है। रॉ मटेरियल का खर्चा कौन सा है, समझना भाई। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा आएगा। जैसे अभी बच्चों ने बताया, भैया शराब बनाने के लिए अंगूर खरीदने पड़ते हैं, मुझे नहीं पता खरीदने पड़ते हैं वैसे। अगर ज्यादा शराब बनाओगे तो अंगूर ज्यादा खरीदने पड़ेंगे, कम बनाओगे तो कम खरीदने पड़ेंगे। तो रॉ मटेरियल का खर्चा वेरिएबल है, येस और नो? क्या बात सही है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज ए वेरिएबल एक्सपेंस। भैया फिक्स का एक एग्जाम्पल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूँ। एक परमानेंट एम्प्लॉय रख दिया मैंने अपने में, परमानेंट एम्प्लॉय। तो अब मैं अपनी फैक्ट्री में 1 लाख यूनिट बनाऊं, 10 लाख यूनिट बनाऊं, या ना भी बनाऊं, उसकी सैलरी तो क्या रहने वाली है? फिक्स। तो जो एक परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी है, बार बार कह रहा हूँ, कौन से एम्प्लॉय की? परमानेंट। वो किसका एग्जाम्पल है? फिक्स कोर्स का। क्लियर है? दोनों के एक एक एग्जाम्पल हो गए। अब और आगे एग्जाम्पल समझते हैं। रेंट ऑफ द बिल्डिंग, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट क्या होगा? कुछ बच्चे वेरिएबल कह रहे हैं, कुछ फिक्स कह रहे हैं। बेटा जनरली जनरली वो फिक्स रहेगा, रेंट ऑफ द बिल्डिंग। अगर मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली, अब मैं उस बिल्डिंग में 1 लाख यूनिट बनाऊं, उस बिल्डिंग में 50,000 यूनिट बनाऊं, उस बिल्डिंग में मैं कुछ भी ना बनाऊं, तब भी वो खर्चा होगा ही होगा। एक बात और पूछता हूँ चलो आपसे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या होगा? बिजली का खर्चा। सबने कहा बिजली का खर्चा क्या होगा? वेरिएबल। और यही मुझे एक्सपेक्टेशन थी, रीजन भी सही है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा बिजली लगेगी तो खर्चा ज्यादा आएगा। लेकिन आज थोड़ा सा कंसेप्ट, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजली का 10 किलोवाट का कनेक्शन लिया। वैसे तो 10 किलोवाट से कुछ भी नहीं होगा, अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, 50-100 ऐसे किलोवाट का कनेक्शन लिया जाता है, और बहुत बड़ा कनेक्शन। आप पता है ये ऐसे होता है कनेक्शन, घर में कभी बिजली का बिल देखा तुमने? जब घर पे भैया आए हो, ये बिजली का बिल आया है, तो तुमने दरवाजा खोला हो, वो तुम्हें बिल दे के गए हो, कभी उसे रीड किया हो, उसके ऊपर एक लिखा रहता है कि कितने किलोवाट का कनेक्शन है, भैया पता ही नहीं हमें तो। चलो कुछ नहीं पता तुम्हें, तुम मेरे से समझ लो। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना, तुमने एक सोचा इस महीने कुछ खुराफात करते हैं। क्या खुराफात करते हैं भाई? दिसंबर और जनवरी में मतलब मौसम वैसे ही इतना ठंडा होता है, पंखे एसी तो चलते ही नहीं, तो इस बार ऐसे करेंगे लाइट ही नहीं चलाते। भाई साहब सारा जो खर्चा है इस बार बिजली का, इस बार बिजली वालों को 1 रुपये नहीं देना इस महीने का, आपने सोचा खुराफात करने की। और आपने फॉर एग्जाम्पल, होगा नहीं मुझे पता है, सब हो जाए, तुम बिना मोबाइल फोन के तो जी नहीं सकते है ना। फॉर एग्जाम्पल तुमने कर लिया ये काम, तुमने बिजली यूज ही नहीं करी 1 महीने, या तुम घूमने गए हुए थे कहीं बाहर और तुम्हारे घर एक भी लाइट नहीं चली 1 महीने। दिसंबर महीना खत्म हो गया ऐसे ही, जनवरी में दिसंबर का बिल आएगा या नहीं आएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, आएगा भी, मैंने यूज नहीं करी किस बात का आएगा? है फिक्स बिल आता है, कुछ ऐसा भी है पता है किसी को? फिक्स बिल भी होता है बेटा। मैं आपको बता दूं, हर एक, अगर आप में कहीं सही में इतने बच्चे सीरियस हो गए थे, भैया करके देखेंगे, तो तुम्हें मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसी खुराफात मत करना। हमेशा एक मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। क्या होता है? मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो डिपेंड करता है किलोवाट के कनेक्शन पे। आपके घर के जनरली कनेक्शन होते हैं 4 से 5 किलोवाट के, और हर एक किलोवाट के लगभग 150 रुपये किलोवाट,
आपको मिनिमम चार्जेस देने ही देने, मतलब 500 से 600 रुपए एक मिनिमम चार्जेस है जो आपको देना ही देना है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो या ना करो। तो जो ये मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो क्या है ये मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैं कौन से कॉस्ट में लेके जाऊंगा, फिक्स में, ये आपको बियर करनी ही करनी है चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। और जो खर्चा अबव मिनिमम होगा, मिनिमम के बाद जो खर्चा होगा, वो सारा का सारा कौन सा खर्चा बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट का। क्लियर है? एक और बात जो मेरे अब आपके साथ डिस्कस करनी है, जब मैंने प्रोडक्शन नहीं करी तो रॉ मटेरियल भी मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल पे क्या हो जाएगी, जीरो लेवल पे। अगर मैंने फैक्ट्री पे ताला लगा दिया तो मुझे रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जीरो। जीरो लेवल पे वेरिएबल तो जीरो हो जाएगी, लेकिन जीरो लेवल पे ध्यान से सुनना, फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होगी। मैं एग्जांपल के साथ प्रूफ करके दे सकता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल आपसे कोई बिल्डिंग रेंट पे ली, जब बिल पे लगती है बात तो समझ में आती है। आपके पास एक एरिया था, मैंने कहा अपना ये जो एरिया है ये बिल्डिंग है भाई साहब बहुत अच्छी लग रही है भाई, ये रेंट पे दे दो। मैंने कहा भाई रेंट कितना है? आपने कहा भैया टीचर हो आप, अलग बात है, रेंट है हर महीने का 20,000 रुपये, यह है फिक्स। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने आपसे बिल्डिंग रेंट पे ले ली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग रेंट पे लेने के बाद मेरे प्रोडक्शन में एक महीने कर नहीं पाया, कोविड आ गया, एक्सवाइजेड कोई भी रीजन था, मैं प्रोडक्शन कर नहीं कर पाया, मतलब गुड्स की प्रोडक्शन कितनी हुई, जीरो। एक महीने बाद आप मेरे पास आए, लाओ भैया रेंट। मैं ये कहता हूँ बेटा इस महीने ना प्रोडक्शन ही नहीं हुई, इस महीने मैं कुछ काम ही नहीं कर पाया, तो ऐसा करो क्या करोगे रेंट लेके, वैसे जानते हो छोड़ दो, छोड़ दोगे क्या तुम? यहीं पे सीधा मुंह पे मना, भैया कैसी बात कर दी, पैसे के पीछे तो भाई भाई नहीं रहता, आप कैसी बात कर दे, मतलब आपको रेंट तो चाहिए ही चाहिए। मैं आपको एक प्रूफ कर रहा हूँ, कितने बच्चे ये सोचते हैं कि जब प्रोडक्शन नहीं होती तो खर्चे नहीं होते, ऐसा भी हो सकता है अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा कुछ मिनिमम खर्चे चलते ही रहते हैं, जैसे कि कौन सा खर्चा बताया, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ऐसी परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी, ऐसी मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसीलिए कहते हैं बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो इजी है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के जो मिनिमम खर्चे होते हैं ना, एक आधे महीने फैक्ट्री ना चले तो बैंड भी बढ़िया ही बजती है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो डूबते भी इसीलिए हैं बेटा, जो बड़े, ये आप समझो ना, 100 से 1000 किलोवाट का कनेक्शन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। मैंने कहा 1000 किलोवाट का कनेक्शन है, पर किलोवाट 120 रुपए देने ही देने हैं, तो कम से कम भी 1,20,000 का तो उनका कौन सा खर्चा बन गया, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा लो फैक्ट्री। बड़ा कह रहे थे भैया फैक्ट्री लगाएंगे, भैया हम ही बनेंगे कल तो, अश्नीर ग्रोवर को हम ही पीछे छोड़ेंगे, है ना, हम बताएंगे। बेटा कुछ मिनिमम खर्चे होते हैं फैक्ट्री के, जो होते ही होते हैं। क्या बात क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल, सारी बातें समझ में आई या नहीं? एक आधा एग्जाम्पल और पूछ लो, हो गया वैसे तो सब, फिर भी पूछ लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है बेटा। एक तो होते हैं पढ़े लिखे नौकर, बेसिकली बेटा जिसे हम कहते हैं वाइट कलर जॉब, कल को तुम ये तो बेटा करोगे तो कल को जिसे नौकरी करनी है, टाई बेल्ट लगा के, बेशक तुम्हें 24 लाख रुपये भी मिले साल के, कहोगे तो भाई मैं नौकरी कहूँगा, तुम्हें परमानेंट एम्प्लॉय कह दूंगा, मैं कह दूंगा तुम्हें सैलरी मिलती है, तुम्हें दुख ना हो। अब यही काम जब एक लो कैटेगरी का इंसान करता है तो उसे क्या कह देते हैं, वेजिस, उसे कह देते हैं कैजुअल एम्प्लॉय, कि कभी भी धक्के मार के निकाल सकते हैं, तुम्हें धक्के मार के कभी निकाल सकते हैं, तुम्हें 1-2 साल की क्या मिलती है, इंश्योरेंस मिलती है। अब जो ये कैजुअल एम्प्लॉय की वेजिस है, ये परमानेंट है या वेरिएबल, वो देखने वाली बात है। जो कैजुअल एम्प्लॉयज है ना, उसे कभी भी रख सकते हैं, उसे कभी भी निकाल सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा कैजुअल एम्प्लॉयज, कम प्रोडक्शन तो कम कैजुअल एम्प्लॉयज। तो जो खर्चा है कैजुअल एम्प्लॉयज का, वो कौन सा खर्चा आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। अभी एक मिनट पहले रीड कर लो फिर लिखना, ये चैप्टर का बेस बन रहा है, बात को ध्यान से समझी जो भी मैंने बताया। वेरिएबल में क्या बताया, ऐसा खर्चा जो चेंज होगा, विच चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल एम्प्लॉय नहीं होगा, वो कौन सा है, फिक्स, रेंट, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो बिल देना ही देना है। ये देखना बेटा क्या सही लग रहा है शेड्यूल या गलत है। मैं 0 यूनिट बनाऊं, 1 बनाऊं, 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, टीएफसी सेम रहेगा, सही है या नहीं, जो मैंने बातें करी क्या टीएफसी सेम रहेगा, ये बातें समझाई थी। पीवीसी के लिए क्या बात समझाई थी, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे पीवीसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब वो कैसे बढ़ रहा है वो बाद में देख लेंगे, बस अभी बढ़ रहा है, ये वाली बात भी होगी। और देखना ये वाली बात भी होगी, जीरो लेवल पे पीवीसी तो क्या हो जाएगा, जीरो। जब कोई प्रोडक्शन नहीं होती तो पीवीसी जीरो होगा, लेकिन जीरो लेवल पे
टीएफसी जीरो नहीं होगा, तुम आ जाओगे मेरे से पैसे मांगने, लाओ भैया हमें रेंट चाहिए बिल्डिंग का, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे टीएफसी जीरो नहीं होगा। अब टीएफसी का कर्फ्यू होती थी, अगर बेटा इस कर्फ्यू प्लॉटिंग करेंगे तो ऐसे होगा, जीरो पे भी 20 है, वन पे भी 20 है, टू थ्री फोर ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई पे कॉस्ट, एक्स पे आउटपुट, क्लियर है ना। टीएफसी का क्या बन जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इसी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये देखो सारा कंसेप्ट जो है वो मीनिंग को सुनने का है, मीनिंग समझ में आया तो एग्जाम्पल समझ में, एग्जाम्पल से शेड्यूल बन जाएगा और कर्व बन जाएगा, उन्हीं से ये बात समझ में आ जाएगी जीरो लेवल पे जीरो नहीं होगा और टीएफसी का कर्व क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये अभी आराम से समझेंगे, अभी लिख लेना। टीवीसी में तो बस एक बात याद रखो, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है कहीं ना कहीं आपका खर्चा उतना ज्यादा हो रहा है, ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ज्यादा बिजली का बिल आएगा, ज्यादा कैजुअल एम्प्लॉयज लगेंगे, तो ये बढ़ रहा है, मेन बात इतनी याद रखनी है। तो ये कैसे बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग, कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा। अभी मैं अच्छे से बता दूंगा कि ये बढ़ने के भी दो तरीके हैं, इसे इनवर्स एस शिफ्ट कहते हैं। कौन सी शिफ्ट, समझा दिया, क्योंकि पहले इतना लिख लो, इतना डाइजेस्ट कर लो, है ना, इतना बॉडी के अंदर चला जाए, पता चला सारा निकल गया एक साथ, वो नहीं चाहता, अपना लिख लो इतना आराम से,